सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई टिकरी बॉर्डर पर जान लग रहे थे और रास्ते में भाई एक ट्रक दिखा था किसान का भरिया और खूब मतलब नारे भी लान लग रहे हैं और भाई हाथ करें थे मारकर नहीं और गाड़ी रुकवा ली मारी। तो भाई देखोगे क्या मामला है और के ले रहे हैं इसमें देसी पड़ताल करांगे अगर भाई ये कितना आए हैं कितना चाले हैं। अरे भाई तो आना हम तो नहीं सोचा थे। सत श्री अकाल जी, राम राम 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 राम। कितों आए सी? मैंने सोचा पंजाब तो आई सी। अच्छा अच्छा वाह भाई, देखो आप देख सकते हो सिंह इज किंग है। तो भाई हम तो नहीं सोचा थे अगर भाई टिकरी बॉर्डर पे जिस तरह दो बार की वार्ता असफल होली है। कल की अगर बात करा तो देर रात तक बातचीत चली है किसाना गेला सरकार की और वो दोनों दौर की जो बातचीत है वह फैल होली, कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आया। सरकार भी अपनी जगह पूरी तरह से उस पर मोर्चे पर मुस्तैद है और न्यूनतम भाई किसाना की अगर बात करें तो किसान भी अपने इरादे बुलंदी के साथ लेकर बैठे हैं। तो हमने सोचा थे कि भाई हार थक कर किसान उल्टे जान दे दिखेंगे, लेकिन ये तो जब मैं कैमरा मैन थी कहूँगा न्यून दिखा दे आरत, यानी कि आगे टिकरी बॉर्डर का नहीं जावा रास्ता। और भाई यह किसान भी जो है ना पूरा ट्रक भरिया खड़ा है और यह भी बॉर्डर पर जान लग रहे हैं। उठे उठे चढ़ना सी ऊपर आना हमने कैसे रास्ता के ऊपर बनेगा किसान एकता। नहीं भाई कैमरा मैन तो कहूंगा ऊपर आ जा और पहले तो इनकी चेकिंग कर लिया और जो अगर पुलिस आ रहे आकर नहीं वो गाड़ी के कागज चेक करे आकर हैं तो एक बात है जी ओ तेरे ये तो दूध है। वाह जी वाह, दूध है ले भाई। अच्छा और भी अच्छा ले भाई, ये तो मेरे ख्याल से कम भी डेढ़ दो महीने का राशन लेकर चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा पानी की बोतल भी है, ये दूध ये ड्राम में दूध भी पड़े जी दो तीन क्विंटल चार क्विंटल पीछे पड़े छह क्विंटल दूध है सारा ही। अच्छा छे, छे, क्या छे, नाम आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह हाँ जी, गुला चिक्का से। गुला चिक्का जी, तो एक बात हम तो पूरा आग लेंगे अभी सामान लेके चल पूरा राशन। तो ये तो भाई अपना राशन पानी तो ले रहे हैं गेले 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 जो किसान पहले धरना पे पहुँच रहे हैं बॉर्डर पे जो बैठे हैं उन खातर भी माल मामला लेके चल रहे हैं। कैमरा मैन थी कहूंगा नीचे दिखाओ क्विंटलों तो दूध है चीनी है जी पाँच चार क्विंटल हाँ आटा जी दस पंद्रह पंद्रह सौ बोरे यानी भाई यानी चाय भी बनेगी और भाई रेसिपी भी बनेगी सिलेंडर ले रहे जी साथ में सिलेंडर भी है मक्का भी प्याज सिलेंडर राशन सारा जो सारा दो महीने का राशन लेकर नाल चल रहे हैं पूरा प्रबंध। हाँ जी हाँ जी, तो मूली की भुजी बनाओगे परौंठे बनाओगे? जी भुजी बनावा परौंठे बनावा सारा कुछ करा तीस क्विंटल तो गोभी है। ये दिखाइए भाई एक गोभी, एक गोभी का फूल आन दो आ जाए इधर। तो भाई अपने एक हरियाणा में डायलॉग है बोले गोभी खोद देंगे हैं गोभी खोदोगे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो भाई यूं आओ गोभी का फूल हैं। हाँ जी और सीट पा जाओ जी इधर से आ जाओ आप इधर से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई नहीं यू को सा बॉर्डर है या तो एक छोटी ही तार है। असी ये खट्टर साहब नु पूछने आ जो कहंदे ने किसान पंजाब दे ने असी कैथल जिला है गुला चीके तो आए हां असी तकरीबन राशन बहुत ज्यादा लेके आए हां ते जो कहंदे ने भी ये दुख सारा पंजाब वाले नु है सानू हरियाणा वाले नु उन्हां तो वध भी दुख है। साडा जो ये कानून लियांदे ने बहुत गलत कानून लियांदे ने साडी फसल नहीं विकदी पिछे मकई विकी है 6-7 रुपए किलो ਹੁਣ ਮਕਈ ਦਾ ਉਹੀ ਆਟਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤਾਓ
आप तो मतलब लोग तो एक आधे तो उल्टे आने की तैयारी कर रहे हैं, आप ही चालू नहीं जी नहीं, जिन्ना चिर कानून वापस नहीं होंगे साडिया जनानिया भी कंजन पैना साडिया कंजन भी सानू भी नाल लै चलो, जिन्ना चिर कानून वापस नहीं होंगे गुला चिका था जो महिलाएं है वह भी साथ में आने तैयार थी ठीक है, जो मलावे ने भी आने तैयार सन जनानिया ने कहने जा पर रोकिया भी तुसी ना जाओ, असि बहुत ज्यादा रस्ता लेके आए हाँ, जिदन ये कानून वापस होंगे रद्द करेंगे उदन असि वापस मुड़ांगे, होर भी बहुत ज्यादा गड्डियां पिछों आन लग रही ने, ते असी ये खट्टर साहब नूं ये पुछने हां तुसी पंजाब नूं क्यों कहिंदे जे हरियाणे का भी वो कानून नजायज है, असि जिन्ना चिर कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चिर दिल्ली तो वापस नहीं जाएंगे, यानी कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है पुलिस बुला लेगी जीरी का भी तो क्या, जीरी का भी तो कहता तीन दिन में पैसे आ जाएंगे आपके, अभी दो महीने हो गए कोई पैसा नहीं आया, बुजुर्गों का गेल है जो हमारे बड़े बुजुर्ग करेंगे, नौजवान पीढ़ी सारी नाल है उसका, कोई तो भाई नौजवान ट्रक में जगह कौन थी तो ट्रक के बराबर में बैठा है तो भाई तो हम देख सको हो एक ट्रक के अंदर जी इतने मानस है, अगर अंदाजा लगभग कितने संख्या में कितने हो आप लोग? ऐसे जी 70-80 बंदे असी, हां जी ओदे गड्डी फुल करके बाकी कोई छड़ा है असी जी, असी क्या भी जे मसला कल नू हल हो गया ठीक है, नहीं कल नू गड्डी फिर दूसरी गड्डी गुले हड़के तो असी फिर मंगांगे, यानी के भाई किसान बटालियन है ये, किसान बटालियन, अरे वे तो और भी गाड़ी आने लग रही है, गाड़ी बहुत आने लग रही है ना जी, साडे गामां दे विच साडा पिंड थे पटाणा है जी, जो साडा चीगा ब्लॉक है थे पटाणा पिंड है, तकरीबन मस्तगढ़ हसू माजरा अगौन दे सारे पिंडां तो गड्डियां आने लग रही ने जी, असि दो पिंड कठे होके आए हाँ, पिंड सुमजरा ते थे पटाणा पड़ता, के नाम है जी आपका? गुरमीत सिंह मेरा नाम है जी, गुरमीत सिंह जी एक बात बताओ, सर्दी का टाइम है तो आपने दूध भी ले लिया, मूली भी ले ली, गोभी भी ले ली, सारी चीज है, बोरिया बिस्तरा रे, असी इस वास्ते जो साडे वेखो भाई कैमरा मैन कुंगा वेखो कंबल वगैरा, असी सारा जो चूल्हे का समान है जी सारा ले गए तुरे हां, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं होंगे वापस नहीं मोदी साहब लाएगा उन्ना चिर असी वापस नहीं मुड़ांगे, हर साडे वीरपुर हरियाणा कैसे थे करनाल जिले तो तकरीबन 25 तरीक दे उत्थे पहुंचे ने, जिन्ना चिर कानून वापस नहीं आउणगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਉਲਝ ਗਈ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਨਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਏ ਕਰ ਮੈਨੇ ਹਮਨੇ ਤੋ, ਤੋ ਭਾਈ ਤੁਮ ਦੇਖ ਸਕੋ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰ ਖੰਡਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਦਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਖੰਡਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ मोदी सरकार मुर्दाबाद, यानी के भाई सीधी एक मिनट जी, यानी के सीधी सी बात है भाई, किसान बटालियन आर पार की जंग लड़न का इरादा लेकर और भाई बॉर्डर पे चल पड़ी है, और भाई सीधा साफ तौर पर कहना है इन किसानों का कि ये जो तीन काले कानून हैं इनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इबे तो वही बात है सीधी साफ तौर पर कहना है, भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इबे तो आने शुरू हुए हैं, और ये शुरू होने में भी जितने भी चाहे बॉर्डर की बात करा तारती नई अपडेट भी दे दिया, अगर भाई जिस तरह नोएडा का जो बॉर्डर है उधर तक उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो भी दिल्ली में एंट्री करने लग गया है, और भाई कम तक कम भी तीन तीन चार चार किलोमीटर के लंबे बिल्कुल बैरोड की साइड से जिस तरह उधर से राजस्थान से भी और उधर से उत्तर प्रदेश से हरियाणा की बात करा पंजाब की बात करा राजस्थान की बात करा, यानी के एक किस्म से यू जो आंदोलन है एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है, चाहे वो पिपली कांड की बात करा चाहे वो सिरसा कांड की बात करा, और ईवीयू दिल्ली के राव का जो मामला है
सरकार का जो भ्रम था अगर भाई दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता है किसान, हरियाणा सरकार की जब बात करें तो पूरे के पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, हाईवे खोद दिए थे, सारे काम कर दिए थे, कितने वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन भाई किसान टस्तमस नहीं होया। और तम देख सको हो जोश जुनून और ओहस के साथ। सब तो बड़ी बात यह है कि यू जो किसाना का जत्था जो हमने मिला है रास्ते में, जोश का गिल्ला गिल्ला ओहस भी है इनमें, ओहस का गिल्ला अगर जोश का गिल्ला ओहस मिल जाए है तो भाई सफलता फिर मिला है। तो हमने तो नहीं लागा भाई सरकार ने इनकी जो जायज मांग है वो माननी चाहिए भाई। तो इस वीडियो ने अन्नदाता के लिए किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हाँ जी, और सफलता लेके ही वापस मुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो भाई। शेयरिंग का फतूर तार दो जमा, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर और सरकार हो जाए मजबूर, सरकार हो जाए मजबूर। ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।